नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हाइट बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए शतावरी चूर्ण, आंवला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण। दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी, या आप इन्हें पतंजलि स्टोर से, बाबा रामदेव की दुकान से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें चाहिए बादाम, काले तिल और पान वाला चूना जो पान में यूज होता है। दोस्तों इस मिश्रण को हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले अश्वगंधा चूर्ण को ले लेते हैं। इसकी दोस्तों एक चम्मच ले लेते हैं, एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर। अब इसमें लेते हैं एक चम्मच आंवला चूर्ण, हमने एक चम्मच आंवला चूर्ण ले लिया है। और अब एक चम्मच हम ले रहे हैं शतावरी चूर्ण। अब दोस्तों हमें इसमें से चाहिए एक चम्मच काले तिल। और फ्रेंड्स इसमें से हमको चाहिए बादाम। तो हम इस मिश्रण के लिए टोटल 15 बादाम ले लेते हैं। तो हम अब इन सबको पीसेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए चूना। चूना दोस्तों हमें कम लेना है। चूना हम बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे, क्योंकि चूना हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा अगर सेवन की जाए तो उससे हमें पथरी होने का भय रहता है। तो हम इसकी कम मात्रा यूज़ करेंगे। दोस्तों अब इन सब मिक्सचर को हम मिलाएंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज किया है बादाम को, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स इन सब को हम मिक्सी में मिक्स करेंगे। तो हम इनको हटा देते हैं, इन सब को मिक्सी में डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। ये इसको हम वापस अपने कटोरी में या किसी भी कंटेनर में डाल लेंगे, निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये मिक्सर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें से एक चम्मच सुबह, लगभग इतना, एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को दूध के साथ इसे लेना है। और साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी हाइट बढ़ने में बहुत मददगार होंगी। दोस्तों चूना जो हमारी हड्डियों को भी मजबूती देता है, चूना कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। चूना खाने का मतलब है शरीर में सीधा कैल्शियम पहुंचाना। चूना आपको किसी भी पान की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। एक चुटकी चूने को एक कटोरी दही में मिलाकर भी आप खा सकते हैं। इससे आपकी हाइट तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपकी हड्डियों को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी और आपको जोड़ों के दर्द की समस्या भी कभी नहीं होगी। जिन लोगों को स्टोन यानी कि पथरी की शिकायत है वो चूने का प्रयोग ना करें। इसके अलावा भी दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको ध्यान भी करना होगा, जो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप ध्यान को कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए जिस ध्यान मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक दीवार पर या एक कागज़ पर काले रंग से सिक्के के आकार का एक गोला बनाना है, जैसा कि हमने आपको फोटो में दिखाया है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके बीच में एक रेड, ग्रीन या येलो का एक और छोटा गोला बनाना है। आप इस कागज़ को दीवार पर टांग दें, यह इस लेवल में हो कि आपके माथे के बिल्कुल बीच वाले भाग के वो सामने हो, और इससे करीब 25 से 30 सेंटीमीटर दूर खड़े होकर बिना प्लग झपकाए बीच वाले छोटे डॉट पर अपनी निगाह टिका कर रखें। ऐसा लगभग 5 मिनट अवश्य करें, और 5 मिनट के बाद अपनी आँखों को बंद करके दोनों आईब्रो के बीच ध्यान लगाने की कोशिश करें। ऐसा करने से पिट्यूटरी ग्लैंड धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगी।
आप ध्यान लगाने के लिए म्यूजिक भी साथ साथ सुन सकते हैं। YouTube पर थर्ड आई मेडिटेशन नाम से म्यूजिक सर्च करने पर आपको इस प्रकार के म्यूजिक आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे योगा और पुशअप्स। दोस्तों योगा में हमें पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन करना चाहिए। यह हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में आपको पुशअप यानी कि अपने हाथों से लटक कर अपने आप को ऊपर खींचना है। यह एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ प्रदान करेगी। दोस्तों आप पूरी मेहनत और लगन से, पूरी ईमानदारी से इस दवा के साथ और बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो मैं शर्त यह कह सकता हूँ कि 5-6 महीने बाद आपकी हाइट काफ़ी ग्रो करेगी। जिनकी उम्र कम है उनको यह असर जल्दी ही दिखेगा, लेकिन जिनकी उम्र 24 से ज़्यादा है उनको इसके लिए थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें, बड़ी मेहनत के साथ आप अपने अच्छे परिणाम पाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप हाइट बढ़ाने के लिए कैमल मिल्क यानी कि ऊँट के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन स्टोर पर भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।